डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 41। ये क्लास 5 का मैथ है और चैप्टर 7 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर 7 डेसिमल चैप्टर है और एक्सरसाइज 41 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। चूज द ग्रेटर डेसिमल नंबर फ्रॉम ईच पेयर। ये जो जोड़ा दिया हुआ है इसमें कौन सा बड़ा है, तो मतलब सिर्फ बड़ा दिखाना है कि ये बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या दिखाने के लिए डेसिमल में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधी समझें कि पॉइंट के बाद अगर नंबर दिया हुआ है और वो बड़ा है तो वही बड़ा होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पॉइंट के बाद नंबर दिया हुआ है, यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो फिर हमें पॉइंट के इधर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 5, यहाँ 8, इसका मतलब है कि ये बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, 8.30। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.30, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बड़ा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नंबर नहीं दिया हुआ और एक नंबर दिया हुआ है, तो जिसमें नहीं दिया हुआ वो निश्चित रूप से वो छोटा हो जाएगा, जो दिया हुआ है वही बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.34, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब हमें पॉइंट की इधर क्या आवश्यकता पड़ेगा, तो यहाँ मिलाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अगर नंबर जिसमें नहीं दिया हुआ रहेगा वो छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट में ही नंबर दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है, तो फर्स्ट में जिसका नंबर बड़ा है वही बड़ा होगा। तो यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो यहाँ पे 0.85, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, उसी तरह से इसको देखते हैं। यहाँ पे 13 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हमें पॉइंट की इधर देखने की आवश्यकता नहीं है, 13 बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर 13.68 है, 13.68, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद ई नंबर में यहाँ 0, यहाँ भी 0, पॉइंट से पहले 0 है, तो अब पॉइंट के इधर मिलाते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, 0.831, ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू मोर डेसिमल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। इक्विवेलेंट मतलब समांतर, जिसका वैल्यू एक समान हो। अगला 5 है तो ये भी जो हम लिखेंगे वो भी 5 उसका वैल्यू होना चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो नंबर लिखने के लिए कह रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखने के लिए कहा गया है, देखिए क्या है इसका आंसर क्या होगा, 0.50। अगर हम पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है उसके बाद हम इधर जितना भी 0 लगा दें उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, और पॉइंट के इधर कोई नंबर रहता है तो उसके इधर आप जितना पहले लगा दें वैल्यू, पहले जितना भी 0 लगा दें तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। सपोज आप कोई नंबर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ 0 0 0 3 0 इससे पहले लगा दिए, तो इसको कोई फर्क पड़ता नहीं, ये 5 ही कहलाएगा। और अगर पॉइंट के बाद जो है कोई भी नंबर लगा दिए इधर पॉइंट के इधर, इसको इतना 0 डाल दिए तो इसका वैल्यू उतना ही रहेगा, ये 5/10 है तो ये 5/10 ही रहेगा, इसका बढ़ने वाला नहीं है और इसका इधर बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझना है कि इसके बाद आप 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू सेम होता है, तो यहाँ एक नंबर हो गया और फिर यहाँ पे 0.520 लगा देते हैं, इसका वैल्यू सेम है, बस यही इसका आंसर है, ये इतना आसान है। बस यहाँ क्या करना है, 1.3 लिखा हुआ है तो 1.30 लगा देते हैं, एक हो गया और 1.3 पे 20 लगा देते हैं, 2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब यहाँ भी वैसे ही करना है, 19.8 पे 10 लगा देते हैं और फिर 19.8 पे 20 लगा देते हैं, सिंपल सा है, बस ये हो गया। सिर्फ समझने का प्रॉब्लम होता है, पूरा मैथमेटिक्स ही वैसा होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए वो पहाड़ है, और अगर जानते हैं तो फिर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में, चूज द डेसिमल फ्रॉम द ब्रैकेट्स इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर्स। इक्विवेलेंट इसमें भी समांतर, मतलब उसके वैल्यू का जो नंबर है उसको चुनने के लिए कहा गया है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है 5.3 और यहाँ पे इतना सारा नंबर दिया हुआ है, तो इसके बराबर कौन सा नंबर है, तो 5.3, इसका मतलब है कि 3 के बाद हम कोई भी 0 लगा देते हैं, 1 2 3 0 लगा देते हैं इस पर, तो इसका तो उसका भी वैल्यू सेम रहेगा, तो यहाँ पे उसी तरह का कोई नंबर खोजते हैं, तो 3 के बाद 1 लगा हुआ है इसीलिए ये नहीं है, और 5.3 के बाद 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है, और 3.5 मतलब उल्टा है, ये 5 है यहाँ पे और ये 3 कर दिया, मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसका आंसर है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे 5.30, ये इसका इक्विवेलेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 0.66 पे अगर हम 1 2 0 लगा देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 0.60 यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये है, और फिर 0.06 पहले लगा दिया गया है इसलिए ये नहीं है, और यहाँ पे फिर से 0.06 लगा हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल है, और इसके इक्वल है, 0.6 लगाने के बाद 20 लगा हुआ है, मतलब है कि ये इसके इक्वल है,
तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है डेसिमल और एस लगा हुआ है, डेसिमल्स मतलब उसमें एक या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ दो आंसर इसका आएगा 0.60 और 0.600, ये आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी 8.01, तो इतना जीरो जीरो लगने के बाद वन आएगा, उसके बाद अगर जीरो आता है तब ये इसके इक्वल होगा, तो एट है सब में एट है, यहाँ तो पॉइंट के इधर जो है वो इक्वल हो गया, उसके बाद 10 इसका मतलब ये नहीं है, 0.10 मतलब ये है, ये है, उसके बाद 0.100 ये नहीं है, और 0.0100 इसका मतलब ये है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8.010 और दूसरा क्या हो जाएगा 8.0100, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं उसके बाद बनाएंगे। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस कितने जगह लिया गया है, तो इसमें पॉइंट के बाद एक लिया गया है, पॉइंट के बाद दो लिया गया है, इस तरह का जब क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो उसमें कई सारा आंसर जब आता है तो वन प्लेस लिया जाता है, टू प्लेस लिया जाता है, किसी का थ्री प्लेस लिया जाता है, इस तरह से यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है कि इसमें कितना प्लेस लिया गया है, इसमें वन प्लेस लिया गया है जिसका आंसर वन हो जाएगा, वन प्लेस, इसमें टू प्लेस लिया गया है जिसका आंसर टू हो जाएगा, और इसमें भी टू प्लेस लिया गया है इसका आंसर भी टू हो जाएगा, और इसमें थ्री प्लेस लिया गया है 0.463, तो इसमें थ्री प्लेस लिया गया है तो इसका आंसर थ्री हो जाएगा, थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहाँ बतला रहा है कि ये इसमें से कौन सा सही है, तो 3.01 और ये इतना नंबर लिखा हुआ है, इतना तीन, और पूछ रहा है कि आर लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स पूछ रहा है, तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल इस तरह का होता है, तो लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल को सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पॉइंट के बाद सिंपली दो दिया हुआ है, पॉइंट के बाद दो प्लेस दिया हुआ है, ये प्लेस पे डिपेंड करता है, पॉइंट के बाद दो प्लेस दिया हुआ है, यहाँ भी दो प्लेस दिया हुआ है और यहाँ भी दो प्लेस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये लाइक डेसिमल है, किसी में एक प्लेस दे देगा पॉइंट के बाद एक नंबर देगा, किसी में तीन दे देगा, चार दे देगा, इस तरह से, मतलब दूसरा दूसरा नहीं होना चाहिए, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, इसका मतलब है कि ये लाइक डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू के लिए हम टी लिख देते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट के बाद एक दिया हुआ है, पॉइंट के बाद दो दिया हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ तीन दिया हुआ है, आर लाइक डेसिमल, तो क्या ये लाइक डेसिमल है, तो यहाँ एक दो तीन अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लाइक डेसिमल नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ये फॉल्स है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन सी नंबर का है, यहाँ पे 1.3 है, 1.30 और 1.300 आर इक्विवेलेंट डेसिमल, यहाँ पे लाइक अनलाइक नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है, इक्विवेलेंट मतलब इसका वैल्यू क्या सेम है इन तीनों का, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद यहाँ पे थ्री दिया हुआ है और थ्री के बाद फिर जीरो, इसके पॉइंट के बाद कोई भी नंबर दिया हुआ है और इसके कोई जितना भी चाहे जीरो लगा दे, लेकिन वैल्यू उसका वही होता है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, यहाँ पे दो जीरो लगा दिया, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट है, ये सभी का वैल्यू जो है वो सेम है, इसीलिए इक्विवेलेंट डेसिमल है, ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू हो गया, और यहाँ पे आर लाइक डेसिमल्स, ये जो नंबर दिया हुआ है लाइक डेसिमल्स, तो पॉइंट के बाद यहाँ क्या देख रहे हैं दो, पॉइंट के बाद दो और पॉइंट के बाद दो, इसका मतलब है कि ये लाइक डेसिमल है, तो इसको ट्रू लिख देते हैं, लाइक डेसिमल हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल बना हुआ है सभी ग्रुप में जो है, अनलाइक डेसिमल दिया हुआ है, तो उसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा, तो क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है तो जो सबसे इसको कम नहीं कर सकते हैं, तो जो कम है उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको जीरो डाल के ज़्यादा कर देंगे तो वो लाइक डेसिमल हो जाएगा, जैसे 2.3 और 2.54 ये ज़्यादा है, इसको ज़्यादा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2.30 कर देते हैं, 2.54 कर देते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी दो हो गया, पॉइंट के बाद यहाँ भी दो हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, लाइक डेसिमल बन गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब इसमें यहाँ पॉइंट के बाद दो प्लेस पे दिया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ फाइव दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट के बाद वन दिया हुआ है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में हमको पॉइंट के बाद दो दो नंबर लगाना पड़ेगा दो प्लेस तक, तो ये तो है ही, इसको हम ये रख लेते हैं 1.09 और इसको क्या करते हैं 5.00 और इसके बाद 2.10, पॉइंट के बाद सब में दो दो प्लेस तक हो गया, इसका मतलब है कि ये
लाइक डेसिमल बन गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट के बाद वन, यहाँ भी वन और यहाँ पे थ्री, तो हम ज़्यादा को कम नहीं कर सकते लेकिन कम को ज़्यादा कर सकते हैं। क्या करना है इसको, फाइव 0.5 पे दो जीरो लगा देते हैं और फिर 3.8 पे दो जीरो लगा देते हैं और फिर 1.586, ये तो ऑलरेडी 3 प्लस पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन बन गया, सॉरी ये लाइक डेसिमल बन गया। और क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा, मतलब सबसे पहले हम छोटा लेंगे फिर बड़ा लेंगे, तो यहाँ पे देख के हमको समझना होगा कि कौन सबसे छोटा है। तो पॉइंट के पहले जिसका नहीं है वो सबसे छोटा होगा, तो इसका नहीं है और इसका नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों में ही छोटा होगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ 9 है और पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, इसका मतलब है कि ये सबसे छोटा है। इसको हम लिख लेते हैं 1, उसके बाद ये हो गया, ये हो जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 3 है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.85, उसके बाद 0.9, 3.2 और 4.69, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, ये जो नंबर दिया हुआ है, और सबसे पहले हम सबसे छोटा पता करेंगे, तो जो पॉइंट के पहले जो नंबर नहीं दिया हुआ है वही सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे छोटा है 1, उसके बाद पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले सबका नंबर है तो ये सबसे छोटा है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.6, उसके बाद 1.305, 3.81 और 4.87, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में कैसे पता चलेगा, सबसे पहले 0 जिसमें नहीं है, तो 0 दो टो नंबर में नहीं है, तो इसको ये 9 से शुरू हो रहा है, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है। यहाँ पे 1 डालते हैं, यहाँ 2 डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट से पहले नंबर है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 छोटा है तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0.5, 2 नंबर में 0.938, 4.36 और 5.2, ये इसका आंसर हो गया। डी नंबर में सबसे पहले जिस जो 0 से पहले जिसमें नंबर नहीं है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, और ये 6 है, ये छोटा है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब इन दोनों में है, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4 और 4 के बाद मिलाते हैं क्योंकि ये इक्वल हो जा रहा है, और इक्वल के बाद जो है ये पॉइंट के बाद यहाँ 8 और पॉइंट के बाद यहाँ 3, इसका मतलब है कि 8 बड़ा है, तो ये छोटा है, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 4 हो गया। यहाँ पे 1 नंबर में जो आया है 0.62, फिर 0.935 और 4.3 और 4.84, ये हो गया इसका आंसर, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट उसका उल्टा दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बड़ा से छोटा बनाने के लिए कहा गया, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ चेक करना होगा हमको, तो ये सब छोटा हो जाएगा क्योंकि 0 से पहले, पॉइंट से पहले जो 0 दिया हुआ है वो छोटा है, तो पॉइंट से पहले किसमें नंबर है, इसमें है और इसमें है, तो ये सबसे बड़ा है 13, तो इसको लिखते हैं 13.04, उसके बाद ये और उसके बाद ये है, तो ये हो जाएगा 6.3। अब 0 वाला नंबर में हम लोग आएंगे तो बड़ा कौन है, 0 के बाद ये 5 है, 0 के बाद ये 8 है, पॉइंट के बाद 8 है, पॉइंट के बाद 5 है, तो 8 बड़ा है, तो बड़ा नंबर को हमको पहले लेना है, तो 0.876, तो बच गया सिर्फ ये, तो 0.59, ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, देखते हैं जो 0 वाला है वो छोटा है, तो वो तो होने वाला नहीं है, तो इसमें पॉइंट से पहले जिसमें नंबर है, तो इसमें देख रहे हैं 3 है, इसमें 8 है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है, तो 8 सबसे पहले हो जाएगा 8.39, उसके बाद 3.612 और उसके बाद 0 वाला में देखते हैं, 0 पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, पॉइंट के बाद यहाँ 4 है, तो 4 होगा, ये बड़ा है, 0.4, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 0.21, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। उसके बाद सी नंबर
तो यहाँ लेते हैं पॉइंट से पहले, जिसमें नंबर है एट है, इसमें भी एट है और इसमें वन है, तो वन तो छोटा है तो एट जो है वही होना चाहिए। तो एट के बाद, पॉइंट के बाद यहाँ देखते हैं एट इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं सेवन यहाँ और यहाँ फाइव, तो सेवन बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है 8.71। उसके बाद 8.56, उसके बाद वन है तो ये हो जाएगा 1.2 और लास्ट में जीरो वाला हो जाएगा 0.8। ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है, तो सबसे ये दोनों है तो सिक्स है, यहाँ टू है तो सिक्स बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 6.21 और नंबर वाला में ये है 2.1 और जीरो वाला में ये दोनों हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ थ्री, पॉइंट के बाद यहाँ सिक्स, तो सिक्स बड़ा होता है तो ये बड़ा हो जाएगा 0.673 और लास्ट में हो जाएगा 0.36। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे एक्सरसाइज 41 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।